चलो यार कोडिंग करके हैकर बन जाता हूँ। अरे सब एक एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, मैं तीन तीन लैंग्वेज एक साथ सीखूंगा। और मालिक जब इतना खर्चा हो गया है तो ऐप डेवलपमेंट सीख लेते हैं। शुरुआत में हम कोशिश करते हैं कि हम कई कई लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेज एक साथ सभी को सीख लें। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि नए नए कोडर्स क्या क्या मिस्टेक करते हैं कोडिंग सीखते टाइम। आई होप कि ये कुछ पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे और आपकी कोडिंग जर्नी थोड़ी ईजी कर देंगे। जब हम नई नई कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा मन करता है कि हम मल्टीपल लैंग्वेजेस को सेम टाइम पे सीखना स्टार्ट कर दें, पर उसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने भी ऐसे किया था जब मैं स्टार्टिंग में लैंग्वेजेस सीख रहा था, बट उसकी वजह से मैं एक पे भी सही से फोकस नहीं कर पाया। इसलिए अपनी पहली लैंग्वेज कोई भी सीखो, बट एक ही सीखो। डू नॉट वॉच ओनली द लेक्चर्स। हम कोर्स की वीडियोस को देखते रहते हैं बट उसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो पीछे की चीजें हैं उनको हम भूलने लगते हैं। और दूसरी एक और चीज कि हम लेक्चर्स को इतनी स्पीड से देखते हैं वो हमें समझ में ही नहीं आते हैं और बाद में कोडिंग ना करने का मन होने लगता है। तो इसलिए थोड़ा लेक्चर देखो और थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा लेक्चर और थोड़ी प्रैक्टिस, ऐसा करोगे तो फ्लो बना रहेगा। डू नॉट कम्पेयर योरसेल्फ विद अदर्स। एक सबसे गंदी आदत रहती है कि हम अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करने लगते हैं कि वो हमसे ज्यादा अच्छी कोडिंग कर रहा है। बट सबकी सीखने की कैपेसिटी अलग होती है, कोई फास्ट फास्ट सीख जाता है और कोई थोड़ा स्लो। बट मेन थिंग ये है कि हमें रेगुलरली सीखते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप चार चार या पाँच पाँच ही घंटे कोडिंग करें, इवन दो ये कोई जरूरी भी नहीं है। आप रोज एक या दो घंटे भी करोगे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा रोज करो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोज रोज भी थोड़ा थोड़ा ऐसे सीखने लगे तो आप उनसे बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। जो लोग 10 घंटे कोडिंग करते हैं और फिर बाद में वो चार पांच दिन कुछ भी नहीं करते। आई होप कि ये पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे। और कमेंट में बताइए आपके कुछ और नए पॉइंट जो दूसरे लोगों की हेल्प करेंगे।